चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डायलिसिस फ्लूड पूरा कर लिया था अपना, है ना। इसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक बचता है, जैसे बताया भी था आपके स्टूडेंट ने, ठीक है। एक आपके इसमें टॉपिक है स्टेरिलिटी टेस्टिंग, स्टेरिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि स्टेरिलिटी होती क्या है, बताया कोई स्टेरिलिटी क्या होती है। पढ़ते आ रहे हैं आपने, फर्स्ट में भी खूब पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में मैंने कई बार सुन लिया है स्टेरिलिटी टेस्टिंग। क्या है आपका स्टेरिलिटी टेस्टिंग? नहीं पता। देखो, जो आपकी वायबल फॉर्म होती है, जैसे आपकी बैक्टीरिया, फंगस, ईस्ट, ठीक है, ये आपके सब्सटेंस में प्रेजेंट हो जाती हैं, ठीक है। हमें दिखती तो नहीं, ठीक है, बट अंदर अंदर उसको ख़राब कर देती है। तो उनको पहचानना, ठीक है, जो हमारी ये वायबल फॉर्म होती हैं, इनको पहचानना ही क्या है, हमारी स्टेरिलिटी टेस्टिंग है। इसी चीज़ के लिए हम अपनी स्टेरिलिटी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। जो टेस्टिंग नाम लास्ट में आया है, वो टेस्टिंग इसलिए आया क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं। क्यों? कि हमारे जो भी हमारा सॉल्यूशन या प्रोडक्ट बना है, उसमें हमारे बैक्टीरिया, फंगस या ईस्ट, इनकी ग्रोथ अभी भी रह गई है या नहीं रह गई है। फाइनल कंटेनर बनने के बाद, आपका प्रोडक्ट बनने के बाद, ठीक है, बनने के बाद की बात हो रही है। व्हेन योर प्रोडक्ट इज़ प्रिपेयर, यू शुड बी चेक अगेन द वायबल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, फंगस, ईस्ट इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। करते इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, एक ऐसा मीडियम बनाते हैं, ठीक है, कि जैसे मैंने आप पहले भी बताया था आपको कि अगर आपको प्यास लगी है तो आप पानी पियेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा मीडियम बना देते हैं कि अगर वो चीज़ उसमें प्रेजेंट होगी, ठीक है, अगर वायबल फॉर्म हमारे प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, तो अगर आप उसको हम एक छोटा सा सैंपल लेके इसमें डालेंगे तो वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि उसके मन मुताबिक चीज़ें आपने यहाँ पर डाली हुई है। न्यूट्रिशन मीडिया बोलते हैं जिसको, ठीक है, इसको एक मीडियम बोलते हैं हम एक ऐसा मीडियम बनाते हैं कि उसमें जो ये वायबल बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं, इनकी ग्रोथ के लिए हर चीज़ उसमें प्रेजेंट होती है, जिससे वो अपनी ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो चलो लिखते हैं छोटा सा, लिखो स्टेरिलिटी टेस्टिंग, हेडिंग स्टेरिलिटी टेस्टिंग। लिखो इसमें आफ्टर स्टरलाइजेशन, After sterilization, the sterility test is most reliable method is most reliable method for determine whether 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 the solution is whether the solution is sterile or not, sterile, sterile, sterile or not. After sterilization, the test of sterility is the most reliable method to check the solution is sterile or not. ठीक है, sterilization करने के बाद sterility testing एक ऐसा method है जो आपको confirm कर देगा, ठीक है, कि आपका solution या product proper sterile हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस टेस्ट इज यूज टू चेक द दिस टेस्ट इज यूज्ड
चेक द CHECK टू चेक द वायबल फॉर्म ऑफ वायबल VIABLE वायबल फॉर्म ऑफ FORM वायबल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया BACTERI बैक्टीरिया कॉमा फंगी FUNGI फंगी एंड ईस्ट YEAST ईस्ट द टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी इज यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ वायबल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया फंगी एंड ईस्ट YEAST ईस्ट इन द सबस्टेंस इन द सबस्टेंस हेडिंग डालिए प्रिंसिपल हेडिंग डालो प्रिंसिपल लिखो प्रिंसिपल में इसका प्रिंसिपल क्या है क्या सिद्धांत है इसका लिखो द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल The test is based on the principle that if bacteria or fungi that if bacteria or fungi are placed in a medium that if bacteria or fungi are placed PLACD placed in a medium which provide which provide nutrition material nutrition material comma water nutrition material comma water and kept at favorable temperature and kept 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 at favorable FAVOURABLE favorable temperature कोमा लगाना यह कोमा नहीं ऐसे लिखा जहां आपने at favorable temperature इसके नीचे एरो लगा दो जैसे एरो लगाते थे हम फर्स्ट ईयर में अपने या जैसे एरो लगवाता हूं मैं एरो लगा दो उस एरो पे लिखो The organism will grow and their presence can be indicated by turbidity and their presence can be indicated by turbidity 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 full stop next heading likho steps
इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं आपके। स्टिलिटी टेस्टिंग देख लिया हमने क्या होती है, ठीक है, क्यों करते हैं वो देख लिया था, प्रिंसिपल देख लिया, उसका आप लिखो स्टेप्स। इसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से आपके स्टेप्स यूज होते हैं। स्टेप में लिखो फर्स्ट, फर्स्ट लिखो फर्स्ट, सेलेक्शन ऑफ सैंपल साइज, सेलेक्शन ऑफ सैंपल साइज, सेलेक्शन ऑफ सैंपल साइज। सेकंड लिखो सेलेक्शन ऑफ द क्वांटिटी, सेलेक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, सेलेक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू बी यूज, टू बी यूज। थर्ड लिखो मेथड ऑफ, हाँ बताओ, सिलेक्शन ऑफ सैंपल साइज, हाँ ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड है आपका सेलेक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, सेलेक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू बी यूज्ड। थर्ड है मेथड ऑफ टेस्टिंग, मेथड ऑफ टेस्टिंग। और फोर्थ लिखो ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट।